बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी लाइफस्टाइल में कई साहब सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं गाइस KFC। अब KFC के अंदर हम एंटर हो गए हैं। अब मैं आपको इसका सारा विजिट करवाती हूँ, साथ साथ दिखाती हूँ कि ये देखें नीचे वाला ये हिस्सा है फर्स्ट, यहाँ पे ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस बनी हुई है जहाँ पे सिटिंग एरिया बैठने के लिए आप आसानी के साथ अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, और जहाँ पे आप ऑर्डर दे सकते हैं रिसेप्शंस पे। और साथ ये आपको सेकंड फ्लोर पे, अब मैं चली गई, पते के गाइस ये बच्चों का प्ले लैंड फर्स्ट पे ही है सामने जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। अभी मैं आपको अंदर से भी सारा इसका प्ले लैंड का हिस्सा दिखाती हूँ। पहले मैं आपको ऊपर वाले फ्लोर का विजिट करवा दूँ। यहाँ पे भी इन्होंने साइड पे एक जगह सिटिंग एरिया बैठने का इंतज़ाम किया हुआ है। बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है गाइस यहाँ पे भी, और लाइटिंग भी बहुत ज़बरदस्त हुई हुई है। और ये देखें इस तरफ भी इन्होंने टेबल्स रखी हुई हैं ताकि आप फ्रीली आसानी के साथ जहाँ पे चाहें बैठ सकते हैं। और यहाँ पे बर्थडे के लिए बलून भी थे। यहाँ पे एक और फैमिली आई हुई थी गाइस, वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, उनसे भी हम लोगों की थोड़ी सी बातचीत हुई और बच्चे को हमने हैप्पी बर्थडे भी विश किया। वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए डेकोरेशन भी स्टार्ट हो गई थी। और हाँ जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बैलून थे, रंग बिरंगी डिफरेंट कलर्स के थे। और वहाँ पे भी उनकी फैमिली से मिलके हमें गाइस बहुत अच्छा लगा। ये अब KFC का बाकी हिस्सा दिखा रही हूँ। और ये देखें सामने उन्होंने पेंटिंग कितनी ज़बरदस्त लगाई है, ये देखें करीब करके मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस लिखा हुआ था जूसी स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा मज़े की टेस्ट के हवाले से लिखा हुआ था गाइस। और ये देखिए ये रिसेप्शन एक साइड पे कॉर्नर पे है, और दूसरी साइड पे गाइस मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे सारी लेडीज़ की एक मीटिंग थी जहाँ पे बैठी हुई थी। और ऊपर देखिए सीलिंग बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग और रोशनी है। ये छत वाला हिस्सा दिखा रही हूँ, वो भी बड़ा प्यारा और ज़बरदस्त था। ये दीवार के बॉर्डर पर भी बहुत ही प्यारे खूबसूरत लग रहे थे, यूनिक किस्म का काम हुआ हुआ था। और जहाँ एल ई डी थी अपनी अपनी मर्जी चाहे कुछ भी देख सकते। हाँ जी गाइस, ये प्ले लैंड का अंदर वाला हिस्सा जो मैंने आपको कहा था मैं बाद में दिखाऊंगी, ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इन्होंने स्लाइड बच्चों के लिए लगाई हुई हैं, और बच्चों के लिए खेलने के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ लगाया हुआ है। और बच्चे देखे आसानी के साथ स्लाइड्स भी ले रहे हैं और उनके साथ झूला भी ले रहे हैं, बड़े खूब इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए गाइस मैंने भी पकड़ लिया था आगे। और ऊपर से आपको गाइस मैं नीचे वाला मंजर दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर कितना ज़बरदस्त मंज़र आया हुआ है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बच्चे अपनी मर्जी से मनचाहा गेम खेलते हुए इंजॉय कर रहे हैं। खेल कूद तो वैसे भी बच्चों के लिए गाइस बहुत अच्छी है, और इनकी सेहत भी होती है खेलने कूदने से। बच्चे साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ चीखों पुकार कर रहे हैं और हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। और हाँ जी, ये एक दूसरी साइड पे इन्होंने काफ़ी अच्छी खुली स्पेस बनाई थी जहाँ पे बच्चे भाग भी सकते थे, एक अच्छा एनवायरनमेंट था। हाँ जी, मीटिंग भी स्टार्ट हो गई थी लेडीज़ की, आपस में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लेक्चर भी हुआ, और फिर साथ बातचीत भी बहुत अच्छी, गुफ्तगू भी एक दूसरे के साथ हुई। और हाँ जी गाइस, आपको बता दूँ कि अब प्याज का वक्त हो गया था, स्प्राइट भी पिया। और हाँ जी, खाने के लिए भी अब सर्व किया जा रहा है, और माशाल्लाह से, और खाने के लिए भी ज़बरदस्त चीज़ें थी। इसमें चिकन था, और आपको बताते हैं साथ बर्गर था और कोल्ड ड्रिंक थी। गाइस मीटिंग में जिन गेस्ट को इनवाइट किया गया उनको गिफ्ट भी दिया, गिफ्ट और साथ साथ जहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था खाने की चीज़ों को, अब हम उस टेबल पर आ गए। और वहाँ पे बर्गर, एक चिकन का पीस और केचप और कोल्ड ड्रिंक वगैरह उनको सबको सर्व की जा रही है। साथ मैंने कहा आपको ये भी मनाजिर दिखाती हूँ कि किस तरह से मिलजुल के सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ एक दूसरे से गपशप लगा के इंजॉयमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था हमें तो। और हाँ जी, हाँ जी गाइस, सबको सर्व कर दिया है टेबल पे, सब आराम से खा भी रहे हैं और साथ साथ गॉसिप भी कर रहे हैं। और एक ये सारा बहुत ही एक अच्छा एनवायरनमेंट। हाँ जी गाइस, मिलकर बैठने में मिलकर बैठ के खाना भी सुन्नत है, और एक दूसरे को सर्व करना भी बहुत ही अच्छी बात है, मिलजुल के रहना। और हाँ जी, और जब सबको सर्व कर दिया तो अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। इसका टेस्ट पहले बर्गर गाइस खाते हैं। बर्गर तो यम्मी था, बहुत मज़े का था, और बहुत इसका टेस्ट भी अच्छा था।
अब उसके बाद हमने गाइस चिकन को टेस्ट किया, आगे चिकन का जो पीस था उसको टेस्ट करते हैं और ये खा के पता चलता है कैसा। हाँ जी बहुत गाइस, ये भी बहुत मज़ेदार था। उसको फिर केचप के साथ खाया और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले मैंने आपको सब विज़िट करवा दे रही हूँ, उसके बाद भूख लग गई और फिर सब ने मिलजुल के खा। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह से सब चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से हो गई और अच्छे तरीके से आपको मैंने सारा विज़िट भी करवा दिया। और इस वक्त हम सब फ्री हो चुके थे और घर की तरफ जा रहे थे। और हाँ जी गाइस, आप भी हमें बताइएगा पाकिस्तान लाइफस्टाइल की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक और शेयर कीजिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान, टेक केयर।